देख रहे हैं अंबर टाइम्स। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में हर तरफ तिरंगा रैलियों का आयोजन होता जा रहा है। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा फहराया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है। इसी बीच शहर के ऐतिहासिक और प्राचीन झाली तालाब भी इस बार तिरंगामयी हो गया। पूरे झाली तालाब में शुक्रवार की शाम ऐतिहासिक रूप से 22,000 फीट लंबाई का तिरंगा झंडा फहराया गया। इस अनुपम नजारे को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद रहे। कालिका माता मंदिर परिसर स्थित झाली तालाब की पूर्ण गोलाई में 22,000 वर्ग फीट आकार का तिरंगा झंडा फहराने का यह पहला प्रयास किया गया और पहली ही बार में नजारा अनुपम बन गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक आयोजन के साक्षी बने। विधायक चेतन काश्यप और कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की पहल पर नगर निगम निगमायुक्त अभिषेक गहलोत के निर्देशन में अल्प अवधि में 22,000 वर्ग फीट का तिरंगा झंडा तैयार किया जाकर ऐतिहासिक झाली तालाब पर फहराया गया। पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत था। जोश के साथ वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे भी लगे। नागरिकों ने हृदय की गहराइयों से तिरंगे झंडे के साथ अपनी आत्मीयता और गौरव को आत्मसात किया। विधायक काश्यप ने कहा, शहर ने इतिहास रचा। 22,000 वर्ग फीट आकार के तिरंगे झंडे को शहर के ऐतिहासिक झाली तालाब पर फहराया गया। राष्ट्र गौरव में अभिवृद्धि के इन क्षणों में उपस्थित हजारों लोग अभिभूत है। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से जन जन अपने अपने हृदय की गहराइयों के साथ राष्ट्र ध्वज के गौरव से जुड़ा है। महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा, ये राष्ट्र गौरव का क्षण है। आम नागरिक राष्ट्र भावना से सराबोर है। कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी, निगम के पार्षद गण भी उपस्थित थे। शनिवार शाम को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली विधायक सभागृह बड़बर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कालिका माता प्रांगण में समाप्त हुई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आईएमए रतलाम द्वारा 14 अगस्त 2022 रविवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे जिला चिकित्सालय रतलाम से यात्रा की शुरुआत की गई। सभी डॉक्टर्स अपने दोपहिया वाहन और राष्ट्रीय ध्वज के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा जिला चिकित्सालय, नगर निगम, छतरी पुल, दो बत्ती, पावर हाउस रोड, सालाना बस स्टैंड, शहीद चौक, लोहार रोड, तोपखाना, चांदनी चौक, बाजना बस स्टैंड, राजेंद्र नगर, आईएमए हॉल पर समापन हुआ। रैली में सभी डॉक्टर शालीनता से क्रमानुसार चले तथा कहीं भी यातायात अवरुद्ध न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया। डॉक्टर बीएल तापड़िया की अध्यक्षता में डॉक्टर खंडेलवाल, डॉक्टर अभी मेहरा, डॉक्टर चाहर, डॉक्टर पदम घाटे, डॉक्टर अरुण पुरोहित, डॉक्टर अमित शाह, डॉक्टर मौर्य, डॉक्टर सुभेदार, डॉक्टर दीप व्यास, डॉक्टर राठौर, डॉक्टर अशोक हारोर, डॉक्टर दिशांत, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ ने हर तरफ हिंदुस्तान के अलग अलग रंगों को एक रंग में पिरो दिया। हर समाज वर्ग तिरंगे के सम्मान में रैली निकाल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में तिरंगे के साथ सड़कों पर आया। रविवार को मुस्लिम शेरानी समाज ने तिरंगा रैली निकाली। समाज के मोहसिन खान शेरानी, पार्षद वसीम के नेतृत्व में तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में साथ आया। वहीं कई अन्य समाज भी इस रैली के जोश और जुनून को देख उनके साथ हो गए। ऐसे में ये रैली भारत के सामाजिक एकता की मिसाल भी बनी और चर्चा का विषय भी बन गई और सुर्खियों में छा गई। मुस्लिम समाज की इस तिरंगा रैली में हजारों की संख्या में एक साथ हजारों तिरंगे दूर तक दिखाई दे रहे थे। मुस्लिम समाज की तिरंगा रैली शहर में शेरानीपुरा से प्रारंभ हुई। यहां से शहर के गाजीपुरा, हरमाला रोड, गौशाला रोड, हाट की चौकी, शहर सराय, लोकेंद्र टॉकिस होते हुए शेरानीपुरा पर समाप्त हुई।
शहर के शेरानीपुरा स्थित जमात खाने से वार्ड पार्षद वसीम शेरानी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा वाहन रैली का आयोजन हुआ, जिसमें वाहन पर सवार युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मोचीपुरा चौराहे पर समाप्त हुई। पिछहत्तरवीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है देश की, उसको मेरी तरफ से पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो तिरंगा रैली निकाली है वो शेरानी समाज और रतलाम के मुस्लिम समाज की तरफ से निकाली है, और मैं इस देश को एक भाईचारे का संदेश देना चाहता हूँ, इस देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, रतलाम वासियों को, कि भाईचारा बनाए रखे और इसी तरह खुशहाल जीवन गुजारे और अपना देश तरक्की करे। मेरी तरफ से अपने देशवासियों को यही संदेश है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाल तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। रैली का शुभारंभ एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार और जिला योजना अधिकारी बीके पाटीदार ने किया। वाहन रैली कालका माता रंगमंच से आरंभ होकर छतरी पुल, नगर निगम, कॉलेज रोड, जेल रोड, न्यू रोड, दो बत्ती, कोट चौराहे होती हुई अंबेडकर सर्कल, बाबा साहेब को माल्यार्पण किया। तत्पश्चात सामूहिक राष्ट्रगान कर समापन किया गया। विशाल वाहन रैली में शामिल संगठन मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के संरक्षक दीपक सुराणा, मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ आर.एन. कैरावत, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ शरद शुक्ला, मध्य प्रदेश अजाक्स चंद्रशेखर लश्करी, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सुशील शुक्ला, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ दीपक छपरी, अध्यापक संविदा शिक्षक महासंघ चरण सिंह चौधरी, मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन मोहन सिंह सोलंकी, मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक शिक्षक संघ सुनील गौर, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस हेमंत राय, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस सुरेश जोशी, मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ कमल देवड़ा, मध्य प्रदेश आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ अभिषेक दुबे, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी संघ प्रकाश उपाध्याय, मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ दुबेंदु गोयल, मध्य प्रदेश पटवारी संघ लक्ष्मी नारायण पाटीदार, नर्सेस एसोसिएशन जीनत स्टीफन, मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कर्मचारी संघ राकेश बोरिया, न्यू बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ उर्मिला पाल, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन राजेश व्यास, मध्य प्रदेश टेक्नीशियन कर्मचारी कल्याण संघ शशि नागर, स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन राजेश आखिया, मध्य प्रदेश अपाक्स दिनेश गहलोत, मध्य प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ भूरी सिंह डामोर, सर्व पीएच संघ शामिल थे। जिला परिवहन कर्मचारी संघ ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला अध्यक्ष विनियम डैलियन के नेतृत्व में 1100 तिरंगों का निशुल्क वितरण किया। संघ के प्रवक्ता गौरव टांगवाल ने बताया, जिला परिवहन कर्मचारी संघ ने नगर के सारे बस स्टैंड पर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा निशुल्क तिरंगे का
बसों में प्रत्येक सवारी को वितरण किया और प्रत्येक बस में तिरंगे को लगाया गया। इस मौके पर संघ सदस्य उपस्थित थे। अट्ठाईस जुलाई से 15 अगस्त के मध्य आयोजित प्रदेश व्यापी पौधारोपण महाअभियान अंकुर अभियान के तहत शनिवार को संपूर्ण नगर में वृहद स्तर पर पौधारोपण करते हुए 5,175 पौधों का रोपण किया गया। विधायक चेतन काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा, निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत, पार्षद सहित क्षेत्रीय नागरिकों ने मानस भवन में पौधारोपण किया। अंकुर पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत 13 अगस्त को नगर निगम द्वारा निगम के 49 वार्ड में 75-75 पौधे, कुल 3,675 पौधे रोपित किए गए। हर घर तिरंगा महाअभियान के साथ ही नगर निगम ने पौधारोपण महाअभियान में वार्डो के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घर के सामने डोसी गाँव, बजरंग नगर, ईश्वर नगर, वीरियाखेड़ी, मोती नगर में पौधारोपण किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्णय अनुसार पूरे प्रदेश में तिरंगा सम्मान महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रतलाम शहर में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा तिरंगा सद्भावना प्रभात फेरी यात्रा निकाली गई। नगर निगम स्थित गांधी उद्यान से महात्मा गांधी के स्टेच्यू पर माल्यार्पण कर प्रभात फेरी शुरू की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। पूरे मार्ग पर देश प्रेम से ओतप्रोत नारे लगाए गए। शहीद चौक पर सभी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा पुनः नगर निगम पर समापन हुई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पार्षद सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। शहर के माणक चौक स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना का आयोजन किया गया। स्थापना के पहले महादेव का पूजन, विधि विधान से आरती की गई तथा कलश यात्रा निकाली गई। उक्त आयोजन श्री मुक्तेश्वर महादेव सेवा समिति एवं शिव भक्तों द्वारा किया गया। देख रहे हैं अंबर टाइम्स।